गुड मॉर्निंग 10th क्लास, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। तो ध्यान दें, यूज यूक्लिडियन डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। मतलब अब हमको EDL यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज करके इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय EDL यूक्लिडियन डिवीजन लेमा इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल आर और लेस देन आर इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होता है EDL का। अब अपन लोगों के लिए क्या प्रूफ करना है, 3m और 3m प्लस 1। तो अपन b के प्लेस पर क्या पुट अप करेंगे, 3। तो यहाँ लिखेंगे f b इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर कॉमा, और यहां पर भी 3 पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी, 0 से 2 तक। तो अपन यहां लिखेंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन r के प्लेस पर क्या पुट अप करेंगे, 0। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, फिर सेकंड वन इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r के प्लेस पर क्या पुट अप करेंगे, 1। एंड थर्ड वन इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने r के प्लेस पर क्या पुट अप किया, 0। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, फिर सिमिलर इक्वेशन में 1 पुट अप किया तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर अपन ने r के प्लेस पर 2 पुल अप किया तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, देन अपने पास कितने केस बन गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अपन को 3m और 3m प्लस 1 प्रूफ करना है, तो अपन फर्स्ट केस का यूज करेंगे। केस फर्स्ट क्या दिया हुआ, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q में अगर 0 ऐड करेंगे तो 3q ही आएगा। ठीक है, देन इसके बाद अपन लोगों को प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कल ही बताया था a और b जो रहती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, तो अपन को स्क्वायर चाहिए। तो दोनों साइड का अपन क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अपन को ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें दोनों साइड अपन क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों साइड अपन स्क्वायर लेंगे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q मल्टीप्लाई 3q। अपन को प्रूफ करना है 3m, मतलब शो करना है 3m, सो ए स्क्वायर 3a एज इट इज रहेगा, क्यू मल्टीप्लाई 3q। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन m एज्यूम कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, और यहाँ लिख देंगे 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, और m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ रीजन देंगे m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अपन लोगों को शो क्या करना था, 3m और 3m प्लस 1। तो मैंने क्या शो कर दिया, 3m अपन ने शो कर दिया, मतलब 3m और 3m प्लस 1 में से अपन को कोई भी एक चीज शो करनी थी, और 3m प्लस 1 अगर शो करना है तो अपन सेकंड केस का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन इसका सॉल्यूशन यहां तक भी कर सकते हैं। तो ये अपन को क्या करना था, शो। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।